वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। इन प्रीवियस क्लास में आपने सब्जेक्ट किए थे हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। अब आपके न्यू सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर, रीजनिंग एंड ईवीएस। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग में आपको रीज़न ढूंढने होते हैं। क्या रीज़न है क्वेश्चन के पीछे, क्या डिफर है, क्या सिमिलर है, इन सब के बारे में आपको इस बुक में पढ़ाया जाएगा। जो चैप्टर वन है, विच वन इज़ डिफरेंट, इन सब में से कौन सा डिफरेंट है, इस चैप्टर में से ही आपको देखना है कौन सा सिमिलर है, कौन सा डिसिमिलर है। एंड लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट, यस, द ऑब्जेक्टिव इज टू द टेस्ट योर नॉलेज ऑफ फाइंडिंग शेप्स दैट आर सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर। आपको इन ऑब्जेक्ट में से देखना है कौन सा सिमिलर है, कौन सा डिसिमिलर है, विच वन सिमिलर एंड विच वन डिसिमिलर। सिमिलर मीन्स जो एक जैसे हैं एंड डिसिमिलर मीन्स जो अलग अलग हैं, जो अलग हैं सबसे। नाउ इन दिस चैप्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ ओड वन आउट टाइप्स आर डिलेट। विद इन सच प्रॉब्लम यू आर गिवन अ सेट ऑफ फिगर्स और अल्फाबेट्स और नंबर्स। इसमें क्या होगा, जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, फिगर हो सकते हैं, तो आपको इनमें से ओड वन आउट को क्या करना है, अलग करना है। जो सबसे डिफर होगा उसे अलग कर देना है। इन सब ऑब्जेक्ट्स में कोई ना कोई कॉमन थिंग्स होगी। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स इन द गिवन सेट। आपको उन सब में से जो ऑप्शन डिफरेंट होगा उसे अलग करना होगा। ओके स्टूडेंट, द फॉलोइंग स्टेप्स, द फॉलोइंग स्टेप्स वुड इनेबल यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जिनसे इन क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकेंगे। यस, फर्स्ट स्टेप, लुक फॉर द कॉमन थिंग्स इन ईच ऑप्शन, लुक्स फॉर द कॉमन थिंग्स इन ईच ऑप्शन। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको सभी को देखकर उन थिंग्स को बताना है कौन सी थिंग्स कॉमन है और कौन सी डिफरेंट है। नेक्स्ट, फाइंड स्टेप्स टू फाइंड आउट अ पैटर्न इन द सिमिलरिटीज। आपको फाइंड करना है कौन सा पैटर्न सिमिलर है, देन आपको फाइंड करना है विच वन इज डिसिमिलर एंड वाई, कौन सा डिसिमिलर है और क्यों। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, यस, व्हाट इज दिस, दीज आर लैम्प्स, दीज आर लैम्प्स, बट जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर टेबल लैम्प, बट ऑप्शन फोर्थ वन इज हैंगिंग लैम्प, ऑप्शन डी इज हैंगिंग लैम्प, सो विच वन इज डिसिमिलर, यस, ऑप्शन नंबर डी इज डिसिमिलर। एंड नाउ टेल मी वाई इट इज डिसिमिलर, यस, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि यह सबसे डिफरेंट है। यह सब क्या है, टेबल लैम्प है, पर ऑप्शन डी हैंगिंग लैम्प है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज दिस, यस, दीज आर शर्ट्स, दीज आर थ्री शर्ट्स, दिस इज एंड फोर्थ ऑप्शन इज दिस इज हाफ पैंट, नाउ टेल मी विच वन इज डिफरेंट, यस, विच वन इज डिफरेंट, यस, ऑप्शन डी इज डिफरेंट, बिकॉज ऑप्शन ए इज हाफ शर्ट एंड ऑप्शन बी फुल स्लीव्स शर्ट, यस, बी शर्ट की स्लीव्स कैसी हैं, फुल स्लीव्स, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो आर शर्ट, बट दिस इज अ टी शर्ट। लेकिन पिक्चर में सबसे एक चीज क्या सिमिलरिटी है कि ये तीनों शर्ट्स है, बट फोर्थ ऑप्शन में क्या है, हाफ पैंट, दैट्स वाई इज डिफरेंट। अब हमें इसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऑड वन आउट को अलग करना है। विच वन इज ऑड ऑप्शन नंबर डी, सो विल टेक ऑप्शन नंबर डी। नाउ आई विल गिव मी मोर एग्जाम्पल,
Yes. Now look at this picture. Yes. First one is sandwich and second is also a sandwich, but it is a triangle shape. Yes. ये सभी sandwich किस shape में है? Triangle shape में. Now third one is football and fourth is chocolate. Now look at this picture carefully. Which thing is similar? इस picture में कौन सी things आपको similar लग रही है? Yes, now option A, B and D are eatable. All these are eatable, but option C is playing thing. इसलिए option C is different हो गया ना, क्योंकि football से तो हम play करते हैं. So tick option number C. Okay, now you have to do question number 1 to 5 on your own. Bye bye. Have a good day.